हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल द मॉमिशस। तो आज है वेंसडे और अभी दोनों बच्चे रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। मॉर्निंग के जो मेरे सारे काम है वो हो गए। सारे काम तो क्या है, एक्चुअली आज बहुत सारे काम मैंने मॉर्निंग से नहीं करे हैं बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। जब से दोनों बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए ना, तब से नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो बस यही होता है, आई थिंक ज़्यादातर मदर्स का ना एक्चुअली यही हाल होता है। बहुत टाइम से मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो चल ही रहा था, थोड़ा स्वेलिंग वगैरह, कभी स्वेलिंग मुझे हो जाती है, पफिनेस हो जाती है फेस पे एंड बॉडी में भी मुझे बहुत हैवीनेस सा फील होता है। देन एसिडिटी, हेडेक, वो सब चीज़ें, नौजिया इतना ज़्यादा कॉमन हो गया ना मुझको, तो अभी दो तीन दिनों से कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो यार फाइनली आज मॉर्निंग में मैंने कुछ टेस्ट मेरे हो गए, जो फास्टिंग के टेस्ट होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग हो गए थे, अभी दोबारा से होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि इस टाइम मुझे जाना होता है बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, तो इस वजह से जो दूसरे वाला टेस्ट होगा मेरा खाने के बाद वाला जैसे जो होता है ना, वो अभी दिन में फिर मैंने बुलाया। तो घर पे आजकल ये फैसिलिटी सही है यार कि घर पे ही आ जाते हैं टेस्ट करने के लिए। अदरवाइज पर एक जाने में भी एक और दिक्कत मुझे लगती है कि यार जाना पड़ेगा, ऊपर से वेदर ऐसा हो रखा है, इतनी बारिश हो रही है यहाँ पर, तो वही है यार वेदर का भी और फिर मूड भी। मुझे लगता है इतने मूड स्विंग्स होते हैं ना मेरे समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं यार। मतलब वेट गेन होता क्यों है, वेट गेन और मूड स्विंग्स और नौजिया ये मुझे होता है, इस वजह से मुझे पीसीओडी रहता है या फिर मुझे पीसीओडी है, इस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। सही में ये चीज़ ना फिगर आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो वही है, फिर मेडिसिन खाओ कुछ टाइम तक, फिर वही दिक्कत है। डॉक्टर ऑलवेज सेड टू मी यार वेट कम करो, आप अपना वेट मेंटेन रखो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि बहुत टाइम से मेरा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो डॉक्टर के चक्कर मुझे लगाने पड़ते हैं ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे यहीं पर ही होती है। डॉक्टर्स पर जाओ, देन फिर आप टेस्ट करवाओ, ये करवाओ, सो करो, आपको आधा तो ये बीमार वैसे ही कर देते हैं। तो मतलब फिजिकली तो आप बीमार हो ही, मेंटली भी आप इन सब चीज़ों से ना हो ही जाते हो। तो वही है, तो बहुत दिनों से ना मेरा मूड भी ऐसी बस खराब सा ही रहता है, कुछ करने का मेरा मन नहीं करता है। फिर दिन में टेस्ट हो जाएंगे, फिर रात को फिर शायद मैं डॉक्टर पे भी जाऊँ रिपोर्ट्स वगैरह लेकर। तो होपफुली रिपोर्ट्स तो वही मुझे लगता है वही थायरॉयड ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा, मेरा यही होता है हर बार ही, वही सब चीज़ें हैं, ब्लड काउंट थोड़ा सा ऊपर नीचे, यही सब ही चलता। और अभी तो फिलहाल चलो मैं बच्चों को जाती हूँ स्कूल ड्रॉप करने, उसके बाद फिर टेस्ट वगैरह के लिए जो है बचे हुए टेस्ट फिर मैं वो करवा लूंगी। तो स्कूल जाने के लिए अथर्व से ज्यादा अर्थ इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता है ना कि जैसे ही उसे बोलो कि हाँ स्कूल चलना है तो बस फटाफट से अपने जो यूनिफॉर्म है वो पहन लेगा। और यहाँ पर अथर्व स्कूल जाने से पहले ना अर्थ को रेडी करता है, उसको ABCD फिर से रिवाइज कराता है, 1 2 3 पढ़ाता है, जैसे आज ही उसकी टीचर ये सब पूछने वाली होंगी, डेली ही वो ये सब करता है आजकल। टेस्ट मेरे सब हो गए हैं, मॉर्निंग वाले भी और अभी जो दिन में करने थे वो भी हो गया है सब। और अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी अर्थ को पिक करने के लिए स्कूल, और वेदर थैंकफुली अभी बारिश रुकी हुई है, तो बस फटाफट से मैं उसको लेकर आ जाऊंगी। और फिर आजकल ना मैं उसको दिन में खिचड़ी ही दे रही हूँ, कल भी मैंने उसको खिचड़ी बना के दे दी, तो आज भी मैं वेजिटेबल खिचड़ी का ही प्लान कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ना और कुछ भी बनाने का कुछ ज़्यादा मन नहीं कर रहा है इस वजह से। तो मॉर्निंग से ना आज बहुत ही स्लो काम हो रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ मैंने आज कुकिंग नहीं करी है, बस चीले भी बच्चों को बस मैंने चीले सैंडविच बस इसी में ही आज निपटा दिया है। तो वही है यार, तो जिस दिन तबियत वगैरह कुछ ख़राब होती है ना, तो बस मेरे पास यही ऑप्शन सबसे सही रहता है कि चीले बना दिया या खिचड़ी बना दिया। और अथर्व को जनरली, आज तो अथर्व का न्यूट्रिशियस डे था स्कूल में, तो उसको सैंडविच वगैरह ले जानी थी, वेजिटेबल सैंडविच, तो चलो वो भी अच्छा हो गया कि उसको मुझे रोटी सब्जी वगैरह कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं देना पड़ा। और सुरेश आज टिफ़िन नहीं ले गए हैं, तो आज का जो मेरा मॉर्निंग का जो होता ना कुकिंग वगैरह का, वो इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो देखते हैं, चलो अभी रिपोर्ट्स वगैरह सब इवनिंग तक आ जाएंगी, तो रात को फिर मैं एक बार डॉक्टर को भी कंसल्ट कर लूँगी रिपोर्ट्स वगैरह, क्योंकि मुझे दिखानी है डॉक्टर को। तो ठीक है, रुको रुको, वॉश करेगी, वॉश करेगी मम्मा, पहले वॉश वॉश, हाँ वॉश, ये लो, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, ओके, 1 ओके, 2 अच्छा ठीक है, बाद में पहले मम्मी खाना बनाएगी, तब तक आप ही खा लो, ठीक है, ओके, 4 जब तक मेरी खिचड़ी बन रही है ना, तब तक ये अर्थ कुछ ना कुछ सैलेड वगैरह कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। तो बहुत ही कलरफुल सी खिचड़ी मैं बनाऊंगी आज, सारी वेजिटेबल्स है क्योंकि
तो जब तक खाना बनता है ना तब तक अर्थ बस यहाँ वहाँ मस्ती ही करता रहता है। और सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है ना वेजिटेबल खिचड़ी का, मुझे बहुत ही सही लगता है, स्पेशली जब घर में मैं बीमार होती हूँ, बहुत ही इजिली बन जाती है। और ये खिचड़ी ना मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी ये सही लगती है। बट ना रात का थोड़ा सा बैटर भी बचा हुआ था इडली का, तो थोड़ा सा मैंने इडली भी बनाई थी। वैसे अर्थ को मैं ये ऐसा मॉर्निंग में नहीं देती हूँ, तो इसलिए मैंने उसके लिए बस खिचड़ी और थोड़ा सा कर्ड निकाली थी, और अपने लिए मैंने थोड़ा सा इडली वगैरह सब बना दी थी। फिर खाना खाने के बाद ना कुछ अर्थ बातें करता रहता है स्कूल का, थोड़ा बहुत बताता है, कुछ मुझे समझ में आता है, कुछ कुछ वर्ड्स वो बोलता है कि आज ये हुआ आज वो हुआ, बस यही सभी वो मुझे समझाता रहता है। अर्थ को सुलाने के बाद थोड़े बहुत घर के मैं काम करती हूँ। वैसे तो आजकल घर के काम में बहुत ही कम कर रही हूँ, जितने मैं कम कर सकती हूँ ना काम उतने ही मैं काम करती हूँ। बट ये कि कपड़े वगैरह थोड़ा बहुत फोल्ड मैं कर रही थी, जो लास्ट एक दिन पहले ही मैंने वॉश करे थे, बस वही सभी मैं फोल्ड कर रही थी। और इवनिंग में आज वेदर भी बहुत ही अच्छा हो रहा था। आजकल वेदर की वजह से बच्चों का आउटडोर भी थोड़ा कम हो गया है, तो बच्चे घर पे ही थोड़ा बहुत टीवी देख लेते हैं या फिर घर पे ही खेल लेते हैं। और रात को बच्चों को होमवर्क कराने में बैठी थी, तो आज फर्स्ट टाइम अर्थ को कुछ होमवर्क मिला था जो कि बहुत ही कलरिंग का था। उसकी एक बुक मैम ने उसको दी थी, जो कि वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी बुक को लेकर, क्योंकि जनरली क्या होता है ना वो हमेशा अथर्व की बुक्स ही देखता रहता था, बट आज उसको पर्टिकुलर बुक मिली थी तो आज वो अपनी बुक को छोड़ ही नहीं रहा था। इतना पैशनेट अपना होमवर्क करने के लिए सही में आज वो था। कलरिंग उसे खुद से ही करनी थी, मैं कोशिश भी करा रही थी कि मैं उसको थोड़ा सा करवाऊं, बट नहीं, उसे सब कुछ खुद से ही करना था। बहुत ही हैप्पी हैप्पी आज वो था। आज का जो डे था हमारा वो एंड हुआ था एग बिरयानी के साथ। रात को डिनर में मैंने एग बिरयानी बनाया था। आज मॉर्निंग से ना मैंने कुछ खाने को प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया था, तो रात को मुझे लगा कि चलो यार थोड़ा सा कुछ बना लिया जाए, बच्चे भी बोर हो गए हैं खिचड़ी खा खा कर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो यार जो ब्लॉग है ना, लास्ट ब्लॉग वो मैंने एंड ही नहीं करा, परसों से लेकर वो वाला ब्लॉग मेरा कंटिन्यू ही हो रहा है, क्योंकि तबीयत की वजह से ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो फाइनली आज फ्राइडे है, तो थोड़ा बहुत आज मॉर्निंग में काम मैंने करा। आज लग रहा है कि पूरे हफ्ते में मैं थोड़ा सा, मुझे आज बेटर फील हो रहा है मॉर्निंग से, तो मैं थोड़ा सा जल्दी भी उठी थी। यार सुरेश को भी मैंने टिफिन दिया है, वरना जो ये वाला वीक गया है ना ये बस ऐसे ही गया है यार, किसी दिन टिफिन दिया है किसी दिन नहीं दिया है। तो अभी 8:30 हो रहा है, मेरा बात वगैरह सब हो गया है, मॉर्निंग का ऑलमोस्ट काम मेरा हो जाता है। बच्चे अभी उठे हैं जस्ट, तो बस अब मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट और टिफिन ये सभी रेडी करूंगी। और तबीयत भी मेरी थोड़ी बहुत ठीक है, तो रिपोर्ट्स वगैरह सब आ गई थी, तो सब कुछ मेरा लाइन पे ही है। थायराइड भी मेरा बिल्कुल लाइन पे ही है, प्लेटलेट्स भी मेरी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो वो भी मेरी बिल्कुल बोलते ना कि लोअर साइड्स पे ही हैं। तो बस वही सब है यार, अभी थोड़े टाइम तक मैं मेडिसिन लूँगी और फिर देखती हूँ, जब रूटीन थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, बॉडी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, तो डॉक्टर फिर खुद ही थोड़ा सा मेडिसिन ना मेरी कम कर देती है, क्योंकि उसके बाद मुझे मेडिसिन भी सूट नहीं करता है। तो चलिए आए फिर बच्चों के लिए पहले टिफिन रख देते हैं, ब्रेकफास्ट बना देते। तो आज का दिन थोड़ा सा मेरा बेटर स्टार्ट हुआ है, मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा जल्दी भी उठ पाई थी, अदरवाइज काफ़ी दिनों से ना मैं मॉर्निंग में भी उठ नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे टायर्डनेस और लेजीनेस हो रहा था ना। बट फाइनली चलो आज थोड़ा सा ठीक लग रहा था। और आज फ्राइडे भी था, तो अथर्व ने भी बोला कि आज मुझे टिफिन में मुझे पास्ता दे दो। जनरली फ्राइडे को ना बच्चे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लेकर आते हैं, बट अथर्व को मैं ऐसा नहीं देती थी, बट आज मुझे लगा कि चलो ठीक है यार, बहुत टाइम से वो बोल रहा है कि मुझे फ्राइडे को कुछ अलग से देना, बच्चे जो है वो जंक फूड लेकर आते। दोनों के ब्रेकफास्ट रेडी, तो अर्थू तो एज यूजुअल वो अपने एग ही खा रहा है, और अथर्व के लिए मैंने चीला बनाया है। मैंने भी आज अपने थोड़ा सा चीला और चाय ले लिया, तो आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी ना, तो इस वजह से मैं साथ में ही ब्रेकफास्ट कर लूंगी। मॉर्निंग अगर थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट हो जाए ना, तो सारे काम मुझे लगता है कि टाइम से हो जाते हैं, तो बस अपना ब्रेकफास्ट भी आज मेरा थोड़ा सा टाइम से हो ही गया था। बच्चों को ब्रेकफास्ट कराते कराते मैंने भी ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद थोड़ा बहुत मैं अथर्व को पढ़ाने के लिए भी बैठ गई थी आज, तो बस यही सभी हुआ। और आज दोनों के टिफिन में गया है पास्ता, देखती हूँ आज अर्थ खाकर आता है अपना टिफिन या नहीं, उसको फर्स्ट टाइम मैं पास्ता दे रही हूँ स्कूल में। तो चलिए यार इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर ही एंड करूंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
में, थोड़ा सा एनर्जेटिक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।